हेलो, कैसे हो मेरे यारों? बहुत अच्छी होंगी उम्मीद करता हूँ अपना प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बात करने वाले टैलेंट, हमने थंबनेल देख लिया हो, टैलेंट की कितनी वैल्यू आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि टैलेंट जो बोलते हैं कि हम उस बंदे को बहुत टैलेंट है, उस पास वाले को बहुत टैलेंट है, हमारे में टैलेंट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वही टैलेंट उस लोगों के पास है, वही अगर इतना टैलेंट है तो वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे, इसके पीछे क्या राज है? सक्सेस लोग बोलते हैं टैलेंट है तो वो व्यक्ति सक्सेस है, अगर टैलेंट नहीं है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं है। ऐसा अगर होता तो मैंने आपसे बोला था ना, अगर ऐसा होता, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अगर टैलेंट ही समझता है तो वो सक्सेस क्यों नहीं है? जो टैलेंट जिसके पास नहीं वो सक्सेस है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी लाइन में देख लीजिए, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो सक्सेस क्यों नहीं है? अगर टैलेंट थोड़ा बहुत है वो सक्सेस है। अगर टैलेंट की यहाँ वैल्यू की जाए तो मेरे मान से कई ऊपर निकल सकता है टैलेंट इसमें लोग दिखा रहे हैं अपना टैलेंट की वैल्यू। यहाँ पे अगर डिग्री अगर लेना होता, डिग्री की अगर वैल्यू होती तो ऊपर जो जाने वाले बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं, बिना डिग्री के लोग सक्सेस है, उनके पास डिग्री नहीं है तब भी लोग सक्सेस है। आपने बोला ना फेलियर इंसान सक्सेस है, पढ़ा लिखा सक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न है, टैलेंट की कितनी वैल्यू है? 10%, 20%, 80% या 100%? कमेंट करना आपको, मैं तो वही बताऊंगा ही। यहाँ पे लोग के अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा टैलेंट की कितनी वैल्यू है, तो मैं बताऊं यहाँ पे टैलेंट की वैल्यू है ही नहीं कुछ। अगर टैलेंट की वैल्यू होती यहाँ पे जीरो किसी ने आप सुन मैंने भी नहीं दिया, आपने भी बोलता जीरो का टैलेंट है, तो जीरो ऐसी इकाई है जिसका कहीं पे जिक्र किया जाए तो कम ही है। जीरो का महत्व होते हैं मैथमेटिक्स है, उसमें देखिए जीरो कितना महत्व है, तो हर प्रकार से हर चीज़ का महत्व मेरे समझते हैं। तो आप आगे देखिए, किसी लाइन में जाइए, आप अगर टैलेंट की बात करते हैं यहाँ पे टैलेंट, यहाँ पे विराट कोहली की बात करते हैं, फेलियर है लेकिन सक्सेस है, क्या उनके अंदर टैलेंट इतना था कि वो जहाँ पे इस समय है वहाँ पे जा सके? धीरू अंबानी जिसकी बात करते हैं आप, हम लोग करते हैं कि दुनिया में सबसे नंबर एक पे अमीर आदमी में से वो नंबर एक पे है, वो भी फेलियर है, पहले शिक्षक थे, शिक्षक होने के बावजूद इतने ऊपर पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि देखो सब छोटे से ऊपर जाते, मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो यहाँ पर टैलेंट नहीं मायने रखता कि आपका टैलेंट कितना है, किस चीज़ में, किस फील्ड लाइन में। आप वही टैलेंट अगर अगर है आपको तो उस फील्ड की हैसियत देखिए ना, तो आप छोटी चीज़ में क्यों पढ़ते हैं? और जो उसके पास टैलेंट नहीं है वो छोटे ही पढ़ता है और सक्सेस होता है, आप फिर क्यों नहीं चाहते हैं? आप डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद क्या करते हैं? अब सोचते कि हमें कहीं फील्ड में जॉब मिल जाए, फील्ड में ना मिलने के बावजूद तब भी आप सोचते पोस्ट डिग्री ले थोड़ा सा और ऊपर मिल जाए। अगर वो डिग्री की अगर वैल्यू हो तो बहुत जो डिग्री लिए पड़े हमारे भाई बहन हैं तो आ सक्सेस होते तब। यहाँ पर टैलेंट की वैल्यू इतनी नहीं है, यहाँ पर आप में कितनी वैल्यू है ये देखाइए आप। अगर देखो आप में अगर कुछ आगे करने की चाहत की वैल्यू है तभी आप आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं, आपका अगर टैलेंट नहीं है उस चीज़ को टैलेंट मत समझिए कि हमें हमारे अंदर नॉलेज नहीं है। नॉलेज आप उस चीज़ को रिपीट करोगे, देखोगे, करोगे, समझोगे तभी आपका नॉलेज आएगा। यहाँ पे डिग्री और टैलेंट नहीं माने रखता आपके अंदर कितना है, आपके अंदर है या नहीं, आप आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आप समझिए कि हम कितने पानी में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।